नमस्कार, मैं तेज प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वत समाचार। स्वत समाचार की टीम आज पहुंच चुकी है नृत्य कला मंदिर। ये पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्थित है नृत्य कला मंदिर, और इस नृत्य कला मंदिर में जो है प्राइड थ्रेड आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है। यह एग्जीबिशन 25 से लेकर 29 जून तक पटना के नृत्य कला मंदिर में लगाया गया है। इस एग्जीबिशन में आर्ट, म्यूजिक, फिल्म स्कैनिंग, ओपन माइक और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर से ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ है इस एग्जीबिशन में और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं बिहार के युवाओं को और बिहार के कला प्रेमियों को। आप देखिए, फोटो प्रदर्शनी जो कला प्रदर्शनी लगाई गई है उसका ऑर्गेनाइजर की टीम है मेरे साथ। मैं इनसे ही पूछूंगा कि क्या उद्देश्य रहा इस को लगाने का और क्या महत्व है, क्या इस फोटो एग्जीबिशन से क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार? बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्राइड थीम क्या है, और उसके बाद बहुत सारा ये जो क्वेयर कम्युनिटी हो गया या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी हो गया, उसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता। तो इसके लिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें, और आर्टिस्ट जितने भी हैं ना वो सारे पटना बिहार से हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमारे शहर के ही लोग हमारे शहर में और अवेयरनेस आए रिगार्डिंग द कम्युनिटी और उसके लिए बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आर्टवर्क्स लगाए, और हमारा मेन मकसद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से, रंगों से हम लोगों को बताएं कि ईच एंड एवरी जेंडर इज़ इक्वल, और सारे राइट्स के लिए सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए। और हर आर्टवर्क के पीछे हमारा यही मैसेज है, यही मिशन है। मेरे साथ कलाकार हैं, तो ये कलाकार वो हैं, माफ़ कीजिएगा, तो ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सभी लोग कलाकार हैं यहाँ पे। जो भी लोग कलाकार हैं कुछ ना कुछ जरूर तस्वीर बना लेते होंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो मैं पीछे देख सकते हैं कि कुछ पेंटिंग लगाई गई हैं, तो क्या है ये पेंटिंग का उद्देश्य? यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखिएगा तो शिव और एक तरफ पार्वती, अर्धनारीश्वर जिसको कहा जाता है, अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो क्या है और किस तरह से ये इसका क्या संदेश देना चाहते हैं इसके थ्रू, ये मैं इनके पेंटर से ही जानना चाहता हूँ। इस एग्जीबिशन में एक तो पहली बार ऐसा हुआ है पटना में कि लोग बॉडी आर्ट पे काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को बुला रहे हैं जो क्वेयर हैं, प्राइड जिन्स के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको बुला करके उनकी स्टोरी जान रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम पेंटिंग कर रहे हैं उन्हीं लोगों के ऊपर, ताकि हम थोड़ा सा एक स्टेप तो बढ़ें। तो ये बिल्कुल उसी के बेसिस पर, अर्धनारीश्वर है, ये नॉन बाइनरी पर्सन है, ये किसी जेंडर में बिलीव नहीं करते हैं, तो हमने इनको अर्धनारीश्वर का लुक दिया है। वैसे ही वो नीचे हैं तो ये नीचे यही है। ये आपकी तस्वीर? हाँ। जी। इन्होंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था हम लोगों ने कि हमें ये करना है, तो बहुत सारे लोग नहीं अपने बॉडी पे पेंट, मतलब ऐसा अंकिता मुझे बता रही थी, तो मैं डर की भावना आती है कि भाई पेंटिंग करवा लेंगे तो उसे निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा, आइडेंटिटी को लेके सामने आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे बहुत अच्छा पेंटर ये तो नहीं होता, पर मुझे आर्ट का एंथुसियाज्म है मुझे, तो मैंने बोला कि मैं कैनवास हूँ, मुझ पे करो। तो इसने मुझसे कुछ कहानी पूछी मेरे बारे में, और फिर इन्होंने सबसे ऐसे ही किया, तो इन्होंने ऐसे एकदम मुझे कलरफुल और इस तरह से पर्सन बनाया, वाइब्रेंट पर्सन। तो ये हम लोगों ने जब ये ऑर्गेनाइज़ किया तो हमारे पास मोटो यही था कि क्वेयरनेस जो है वो समझाएं लोगों को, क्वेयर क्या होता है। क्वेयर सिर्फ एक सेक्सुअलिटी, अलग सेक्सुअलिटी या जेंडर नहीं है, क्वेयर वो सारे लोग हैं जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया है। जैसे हो सकता है आपके परिवार में बाल डाई करना एक टैबू माना जाता हो, एक गलत बात मानी जाती है, पर आपने बाल डाई कर लिया तो आपने स्टेटस को चैलेंज किया। उसी तरह से कई घरों में महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता है, पर कोई महिला निकली और वो काम की तो वो भी क्वेयर है, उससे उसकी सेक्सुअलिटी और जेंडर का को एक बड़ा ब्रॉडर हम लोग एरिया दे रहे हैं। तो ये आप जो ऑर्गेनाइज किए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? आपके मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, देखिए मधुबनी से पेंटिंग है, मधुबनी से आते हैं, तो क्या मदद मिली है उनके तरफ से कुछ? देखिए, सरकार को हमने ना सोचा ही नहीं कि रीच आउट करें, ऑनेस्टली हमने इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले हम कम्युनिटी दिखाएं। हमारा मोटो ये नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल गेम या सरकार, हम हैं प्रिविलेज हैं भाई, हम कर सकते थे, हमने ये किया, और आप भी कर सकते हैं। आप अपने तरीके से समाज को बदलने के लिए जो कर सकते हैं आप प्लीज़ करिए। अब हम हमेशा न्यूज़ देख करके गालियाँ नहीं दे सकते सरकार को, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, तब शायद कहीं ना कहीं सरकार आपको हेल्प करेगी। हो सकता है एक साल ये कराया, अगले साल, दो तीन साल बाद खुद सरकार का ये मुद्दा ही बन जाए, तो उनको भी लगे कि ये इतना बड़ा,
वो देखें कि दो दिन में पटना में एक इवेंट होने पे 5,000 लोग आ जा रहे हैं एक छोटे से ये ललित का सेंटर में जगह में, तो इसको बड़े जगह पे अगर बड़ा मंच मिले तो कितने लोग आएंगे और कितने लोग आएंगे से इसका कितना उनका तो सरकार को तो अपना वोट से मतलब है, तो वो ये भी देखें कि कितना वोट आएगा, तो वो आप समझे इस चीज को। हम लोग ये 3-4 सालों से कर रहे हैं, एक हम लोगों ने कंपनी बनाई है ला पिंटोरा, जिसमें कि वैसे आर्टिस्ट आते हैं जिनको कहीं से मदद नहीं मिल रही फाइनेंशियली या पैशनेटेड हैं और आर्ट को आप नहीं कर पाते, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप आइए अपना डिस्प्ले लगाइए और थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप डर डर के मत रहिए। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, तो उनको समाज में दिखाना हो कि एक बार आप घर से निकल के देखें लोग हैं सपोर्ट करने के लिए खरीदने यहाँ पे पेंटिंग्स जितनी भी है। बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से आपकी क्या अपील होगी? बिहार के युवाओं से हमारी अपील ये है कि आप अपने आप की आइडेंटिटी, यहाँ पे ना सबको लगता है वो शेर है, सबको लगता है उसने सब कुछ जान लिया है, हम जानना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपना होराइजन ब्रॉड कीजिए। आपके दोस्त बाहर नहीं आ पा रहे, अपनी सेक्सुअलिटी में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि आप वो मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप ही के सर्कल में कितने सारे लोग होंगे जो शायद बाइसेक्सुअल होंगे या गे होंगे, लेस्बियन होंगे या ट्रांसजेंडर होंगे, पर क्या आपने वो माहौल दिया है? प्लीज़, आप चाहते हैं कि बिहार देश का नंबर वन राज्य बने, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेट बने, तो उसके लिए कीजिए ना कुछ। बैठ के बात करना आसान है, पैसे बर्बाद करना आसान है, कोई अच्छी चीज़ में आइए, यहाँ आइए। हमारे सारे आर्टिस्ट क्वेयर हैं, हमारे सारे आर्टिस्ट प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है, आप आइए उनकी पेंटिंग खरीदिए, उन्हें मदद कीजिए, आपको इतना कला में इंटरेस्ट है, आप आइए ना यहाँ, आप उनकी पेंटिंग्स लीजिए, आप यहाँ पे हमारे कलाकार को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए ये सब हमने मिल के अपने पैसों पे किया है, आर्टिस्ट ने जोड़ जोड़ के पैसों से। यहाँ पे रोक रहे हैं आपके लिए कि आप बिहार में रहिए, बिहार में हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बिहार के आर्टिस्ट बिहार में काम करें, बिहार में उनको रोजगार मिले। बिहार में से लोग निकलता है, थोड़ा सा भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं बिहार छोड़ के बाहर तुरंत चले जाते हैं, और फिर बाहर से बोल, हम भी बाहर रहे, मैं 5 साल बाहर था, मैं तो पूरे मेरी नौकरी ऐसी थी पहले कि मैं पूरे इंडिया घूमता था, तो मैंने तो पूरा देश देख लिया, और फिर मेरे को ये लगता है कि अब मैं वापस बिहार आके बिहार के लिए कुछ करूँ। अंकिता बाहर नहीं है, ये भी बिहार के लिए, हम लोग क्यों कर रहे हैं, वापस क्यों आए हैं? तो लगता है कि बिहार अब पहले के तुलना में यहाँ पे कलाकारों को मदद मिलती है? देखिए जो हम लोग के साथ यूथ जुड़ रहे हैं उनमें बहुत चेंजेस आया है, बहुत बदलाव आया है आर्ट को लेकर के, आर्ट के फील्ड को लेकर के। लोग कुछ देखते हैं तो वो ट्रेंड चला आता है, और अगर अच्छी चीज़ देख रहे हैं और वो ट्रेंड जा रहा है तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं है। लेकिन वो बड़े लोग जो कैपेबल हैं फाइनेंशियली, जो मदद कर सकते हैं, अब हम कितना ही कमा करके अपना, कब तक हमारा हिम्मत रहेगा? एक समय के बाद ठहराव आना ही होगा, वो लिखा हुआ है, अभी हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े बड़े लोग बिहार से बाहर गए हैं, वो सब देख रहे होंगे आपका चैनल, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ से बोलना कि आपके मुंबई दिल्ली इंदौर से बोलना बहुत आसान है कि बिहार में क्या करूंगा यार, जाके तो सब कुछ बंद है, एक दारू थी वो भी बंद हो गई। इनफैक्ट ये जो प्राइड एग्जीबिशन है, ये इंडिया का दूसरा एग्जीबिशन है जो हमारे बिहार में हो रहा है। तो आप वापस आइए और काम कीजिए यहाँ पे, हम लोगों को मदद, या आप नहीं वापस आ सकते हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको मदद कीजिए, आप हमें मतलब जो इनकी जानकारी रुचि रखते हैं उनके माध्यम से आप प्रेरित कीजिए और बिहार को गाली देने से अच्छा है बिहार के लिए कुछ कीजिए, कुछ करके दिखाइए ना भाई, हम लोगों ने ये कुछ करके दिखाया। प्लेटफॉर्म जिसके तहत आप लोग इसमें सब चीजों को सेल करते हो या फिर एक ला पिंटोरा है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आपको मिले, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलेगा @ ला पिंटोरा स्टूडियो, एक जानो जंक्शन है जो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलेगा, जानो जंक्शन, वहाँ पे ये सारी पेंटिंग उपलब्ध है, पेंटिंग उपलब्ध है, यहाँ पे लोग उपलब्ध है, आप मैसेज करिए हम आप तक पहुँचेंगे। हम लोग सब कुछ वो माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा अंकिता, तो ये मुझे लगता है 4 साल से बिहार में इसने इतना माहौल देने का कोशिश किया है कि आज जो लोग आए हैं हर चेहरा नया है, और हर चेहरा ये कह रहा है कि हम अंकिता को यहाँ पे देखे थे, उनका आर्ट यहाँ देखे थे, तो हम इसलिए आए हैं। बिहार में कहीं पे आपका शॉप स्टोर? हाँ, आशियाना में है हमारा स्टूडियो, 9 to 9 सुपरमार्ट है उसके ऊपर। और तो प्लीज़ आप लोग देखिए, आइए, और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग करेंगे, आप लोग आए और सपोर्ट कर रहे हैं, यही तो हम लोग चाहते हैं कि आम लोग निकले और एक दूसरे का सपोर्ट करें, तो हम बिहार को महान मानते हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ा राज्य और सबसे अच्छा राज्य बन सकता है बिहार अगर सब कोई मिल के करें।
इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।